आज हम आपके लिए बाज़ार से भी अच्छी और बाज़ार से भी सस्ती नमकीन की रेसिपी लेकर आए हैं, जो घर पर बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने लिया एक बाउल, और बाउल में डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल को डाल दिया है। उसके बाद डालेंगे इसमें 2 चम्मच साफ पानी। तो आप लोग देख सकते हो मैं कप ली, उसी से 2 चम्मच पानी यहाँ पर डाल दी हूँ। अब हम लेंगे एक बिस्कर, बिस्कर के साथ ऐसे सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम चलाएंगे तो ताकि सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप लोग देख सकते हो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद 1/2 चम्मच डाल दिया है हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच से भी कम डाल दिया है नमक, और इसमें डालेंगे हींग। तो 1/2 चम्मच के करीब हमने हींग भी डाल दिया है। अब तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे 1 कटोरी इसमें बेसन। तो हमने 1 कटोरी यहाँ पर बेसन को डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें पानी डालना है। तो वही पानी हमने लिया है जिससे जो हमने पहले रिफाइंड में डाला था इसकी कप से, वही पानी हमने ले लिया है। इसको मिक्सर के साथ इस तरह से मिक्स करते हुए हमें इसको बैटर बनाना है। पकौड़े की तरह हमारा इसका बैटर होना चाहिए सेम। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह का हमारा पकौड़े का बैटर है। अब हम इसको रखेंगे साइड पर और ले लेंगे दूसरा बाउल। तो दूसरा बाउल ले लिया है, उस बाउल में भी हमने 1 कटोरी बेसन डाल दिया है, और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे से कुरकुरापन अच्छा आएगा, इसलिए हम यहाँ पर चावल का आटा डाल रहे हैं। उसके बाद डाल देंगे नमक, तो नमक हमें स्वाद अनुसार ही डालना है। उसके बाद 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल को भी यहाँ पर डालना है, और सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ताकि सारी चीज़ें हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करें, पानी डालकर इसका भी हमें बैटर बनाना है, पर इसका हमारा थोड़ा सा पतला बैटर बनाना है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से हम चम्मच की सहायता से इसका बैटर बना रहे हैं। तो हमारा बैटर इस तरह का है। अब हम डालेंगे इसमें कलर के लिए ग्रीन फूड कलर। तो आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, फूड कलर नहीं तो बिना फूड कलर के भी बना सकते हो, पर मैंने डाला है, इसे कलर बहुत ही अच्छा आएगा और हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनने वाली है। तो आप लोग देख सकते हो ये भी हमारा रेडी हो चुका है बैटर। अब हमने लिया एक बोतल, बोतल इस तरह की है, और ले लिया बोतल के ढक्कन में इस तरह से हमने छेद कर लिया है। ये छेद हमने बड़ी वाली सुई से किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बोतल में जो हमने ग्रीन कलर का ये पेस्ट बनाया था उसको हम सीधा से इसमें डाल देंगे। ये क्योंकि ये पतला है ना, तो बहुत ही आसानी से ये बोतल में भर जाता, कोई भी दिक्कत नहीं होती, और ढक्कन बंद कर देंगे। अब चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस को हमने ऑन कर दिया है, तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। तो अब हम सीधे से क्या करेंगे, इस बोतल से इस तरह से हमें बूंदी बनाना। तो आप लोग देख सकते हो कितनी आसानी से बूंदी बन रही है, और कोई भी दिक्कत भी नहीं हो रही, और मुझे तो बनाने में ही बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि इस तरह से हम बना रहे हैं कि हमारे ना हाथ गंदे हो रहे हैं ना कुछ, और बनाने में बहुत ही अच्छा लग। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम अब निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हो बहुत ही आसानी से निकल भी रही हैं, और कोई भी दिक्कत तो बिल्कुल भी ना हो रहे हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा बैच भी बनाकर तैयार कर लेंगे, देख लीजिए। तो दूसरा बैच हम बना रहे हैं, और सेम इसी तरह से हम डाल रहे हैं, और डालने में हम तो हमें बिल्कुल भी ना दिक्कत होती है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स से आप लोग भी बना लीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो हमने दूसरा बैच भी सेम इसी तरह से डाल दिया है। डालने के बाद 1 मिनट बाद हमने पलट दिया है। आप चाहो तो मत पलटिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसे भी ये पक जाती हैं। और उसके बाद हम इनको निकाल ले रहे हैं, और कलर बहुत ही अच्छा आता है इनका। इसी तरह से हम ये सारी बूंदियाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, एक कटोरी लेना है। कटोरी में हम ये छाछ के पैकेट रखेंगे। आपके पास दूध की हो तो उसको भी रख सकते हो। तो मेरे पास छाछ की पड़ी थी तो वही मैंने रख दिया है, और इसको इस तरह से फोल्ड कर दिए। उसके बाद जो हमने पहले बेसन का घोल बना कर रखा था पेस्ट गाढ़ा वाला, अब उसको हम इसमें पैकेट में भर दिए हैं। तो आप लोग देख लीजिए हमने इसको भर दिया। भरने के बाद इस तरह से हम करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो इस तरह से हम कटर की सहायता से कट कर दिए थोड़ा सा। अब हम लेंगे वही वाली बॉटल,
सकते हो इसमें इस तरह से डायरेक्टली। अब इस तरह से हमें इसको पेस्ट को भरना है, क्योंकि ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा था तो वैसे भरने में हमें दिक्कत होती, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से ये भर जाएगा। तो हमने भरकर तैयार कर लिया। अब हम इसके सेव बनाते हैं, तो आप लोग देख लीजिए सेव भी कितनी आसानी से बन रहे हैं, और एक ही बॉटल से हम सेव भी बना ले रहे हैं, बूंदी भी बना ले रहे हैं, और दिक्कत तो हमें बिल्कुल भी ना हो रही है। तो अब हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, और हमें इनको पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसी तरह से पक गए हैं, आप लोग देख सकते हो कितना ही अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे बैचेस बनाकर तैयार कर लेंगे। और उसके बाद फिर हमने इस पोहा को भी फ्राई किया था, 1 मिनट के अंदर ही ये पोहा, आधी कटोरी पोहा लिया था और 1 मिनट के अंदर ही अच्छे से फ्राई हो गया था। पर मैंने उसका वीडियो भी बनाया था पर वो डिलीट हो गया किसी कारणवश, तो फिर उसके लिए सॉरी। तो आप लोग देख सकते हैं बूंदी बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं, सेव भी कितने कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, जो सेव बड़े बड़े हैं तो मिनटू तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें नमकीन बनाना है तो थोड़े से छोटे सेव चाहिए। तो हम इस तरह से देखो तोड़ लिए हैं। और ये हमने मूंगफली को भी फ्राई किया था पर इसका भी वीडियो डिलीट हो गया, तो कोई बात नहीं। मूंगफली है और ये पोहा है, इसको तो सभी लोग फ्राई कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फ्राई कर लीजिए। उसके बाद हमने क्या किया, चूरे जो पोहा था उसी में हमने मूंगफली के दाना डाल दिया है, बूंदी भी डाल दिया, सेव भी डाल दिया। सारी चीज़ें डालने के बाद इस तरह से हाथ की सहायता से बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। आप लोग देख लीजिए कितनी अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें हमें कुछ फ्लेवर देना बाकी है, क्योंकि ऐसे तो ये बिल्कुल सादी है, आप लोग देख सकते हो हमने कुछ भी ना डाला था। तो अब हम फ्लेवर के लिए इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे अमचूर का पाउडर। आप चाहो तो यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हो, भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाल सकते हो, पर मैंने ना डाला, थोड़ा बच्चे सादा पसंद करते हैं इसलिए मैं थोड़ा सादा ही बनाई हूँ। उसके बाद सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इसको देख लीजिए इस थाली पर डाल देते हैं, और बहुत ही अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ज़रूर बनाकर ट्राई करना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।